नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों को लेकर, क्योंकि होली से पहले कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से आपके पास एक खबर आती थी कि रेलवे की तरफ से जो है यात्रियों को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें जनरल कोच के डिब्बों में बिना रिजर्वेशन की यात्रा की बात कही गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि ठंड के कारण करीब 100 ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया था, लेकिन अब जो है एक बार फिर से इन ट्रेनों के परिचालन को बहाल कर दिया गया है। इन सभी खबरों के बीच में उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से एक खबर सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि नैनी और प्रयागराज छिमकी के बीच में मध्य तीसरी लाइन की कमीशनिंग की लेकर जो है प्रयागराज छिमकी स्टेशन पर नन इंटरलॉकिंग का कार्य होने के कारण पूर्व मध्य रेलवे जोन में आने वाली ट्रेनों के परिचालन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ आने वाले कुछ दिनों में होली का त्यौहार है, ऐसे में अगर आप बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं तो टिकट रिजर्वेशन से पहले ट्रेनों की स्थिति जरूर देख लें। तो आइए अब जानते हैं रद्द की गई ट्रेनों के बारे में। ट्रेन संख्या 02396 अजमेर राजेंद्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस 4 एवं 11 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 02395 राजेंद्र नगर टर्मिनल अजमेर एक्सप्रेस 2 एवं 9 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 22806 आनंद विहार टर्मिनल भुवनेश्वर एक्सप्रेस 7 और 14 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 22805 भुवनेश्वर आनंद विहार टर्मिनल 5 एवं 12 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 09447 अहमदाबाद पटना क्लोन एक्सप्रेस 2 और 9 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 09448 पटना अहमदाबाद क्लोन एक्सप्रेस 4 एवं 11 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 09065 सूरत छपरा फेस्टिवल एक्सप्रेस 7 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 09066 छपरा सूरत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 9 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 06509 बेंगलोर सिटी दानापुर क्लोन स्पेशल ट्रेन 7 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 06510 बेंगलोर सिटी दानापुर क्लोन स्पेशल ट्रेन 9 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 01665 रानी कमलापति भोपाल अगरतला एक्सप्रेस 3 और 10 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 01666 अगरतला रानी कमलापति भोपाल एक्सप्रेस 6 एवं 13 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12389 गया MGR चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस 6 एवं 13 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12390 MGR चेन्नई सेंट्रल गया एक्सप्रेस 8 एवं 15 मार्च को रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 22198 बी लक्ष्मीबाई कोलकाता सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 एवं 11 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 22197 कोलकाता बी लक्ष्मीबाई सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6 एवं 13 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 22857 संतरागाछी आनंद विहार एक्सप्रेस 7 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 22858 आनंद विहार संतरागाछी एक्सप्रेस 8 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12988 अजमेर सियालदह एक्सप्रेस 13 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12987 सियालदह अजमेर एक्सप्रेस 14 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 15658 कामाख्या दिल्ली एक्सप्रेस 13 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 15657 दिल्ली कामाख्या एक्सप्रेस 15 मार्च को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12873 हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस 10 मार्च को रद्द रहेगी। तो वहीं ट्रेन संख्या 12874 आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस 11 मार्च को रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के परिचालन में कमी की गई है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं। तो इसमें है राजेंद्र नगर से खुलने वाली 12393 राजेंद्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सप्ताह में बुधवार यानी कि 9 मार्च को रद्द रहेगी। नई दिल्ली से खुलने वाली 12394 नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस गुरुवार को यानी कि 10 मार्च को रद्द रहेगी। गया से खुलने वाली 12397 महाबोधि एक्सप्रेस सप्ताह में सोमवार को यानी कि 7 मार्च और 14 मार्च को रद्द रहेगी। नई दिल्ली से खुलने वाली 12398 महाबोधि एक्सप्रेस मंगलवार को यानी कि 8 मार्च और 15 मार्च को रद्द रहेगी। आनंद विहार से खुलने वाली 22406 भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस 9 मार्च को रद्द रहेगी। भागलपुर से खुलने वाली 22405 गरीब रथ एक्सप्रेस 3 मार्च को और 10 मार्च को रद्द रहेगी। भागलपुर से ही खुलने वाली 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस 3 मार्च 8 मार्च 10 मार्च को रद्द रहेगी। आनंद विहार से खुलने वाली 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस 4 मार्च 9 मार्च और 11 मार्च को रद्द रहेगी। आनंद विहार टर्मिनल से खुलने वाली 12506 कामाख्या एक्सप्रेस 4 मार्च 6 मार्च 8 मार्च 11 मार्च 13 मार्च 15 मार्च को रद्द रहेगी। कामाख्या से खुलने वाली 12505 कामाख्या एक्सप्रेस
4 मार्च 6 मार्च 9 मार्च 11 और 13 मार्च को रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के रूट में किया गया है बदलाव, तो ये जानते हैं कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जिनके रूट में बदलाव किया गया है। 13 मार्च को खुलने वाली 12308 और 22308 जोधपुर बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस, इसका रूट प्रयागराज जंक्शन प्रयागराज रामबाग वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते से जो है यह जाएगी, इनका यह बदला हुआ रूट है। 14 मार्च को 12816 आनंद विहार टर्मिनल पूरी एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन प्रयागराज रामबाग और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते जो है यह आगे जाएगी, ये भी इनका बदला हुआ रूट है। 13 मार्च को हावड़ा से खुलने वाली 12303 हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जंघई जंक्शन प्रयागराज जंक्शन के रास्ते जो है यह आगे बढ़ेगी। 13 मार्च को नई दिल्ली से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12304 पूर्वा एक्सप्रेस पर इसका जो वाया यानी कि रूट है वो प्रयागराज जंक्शन उसके बाद जंघई जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते यह आगे बढ़ी। कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनको कि नियंत्रित करके चलाया जाएगा यानी कि उन्हें बीच में रोका जाएगा। तो आइए हम जानते हैं उनकी लिस्ट में कौन कौन से नाम है। तो 6 और 13 मार्च को खुलने वाली 12546 लोकमान तिलक टर्मिनल रक्सौल एक्सप्रेस मानिकपुर एवं लिंक जंक्शन केबिन के बीच में 30 मिनट के लिए रोकी जाएगी। वहीं 5 और 12 मार्च को 12176 ग्वालियर हावड़ा एक्सप्रेस मानिकपुर और लिंक जंक्शन केबिन के बीच में 45 मिनट के लिए रोकी जाएगी। 4 और 11 मार्च को 20976 आगरा कैंट हावड़ा एक्सप्रेस जो कि मानिकपुर और लिंक जंक्शन केबिन के बीच में 30 मिनट के लिए रोकी जाएगी। वहीं 7 मार्च को 12178 मथुरा जंक्शन हावड़ा एक्सप्रेस मानिकपुर एवं इदारतगंज के बीच में 45 मिनट के लिए रोकी जाएगी। वहीं 4, 6, 9, 11 और 13 मार्च को 22111 इंदौर हावड़ा एक्सप्रेस मानिकपुर और लिंक जंक्शन के बीच में 45 मिनट के लिए रोकी जाएगी। 4 और 11 मार्च को 17610 पूर्वा पटना एक्सप्रेस को मानिकपुर लिंक जंक्शन के बीच में 30 मिनट के लिए रोकी जाएगी। वहीं 7 और 14 मार्च को 22913 बांद्रा टर्मिनल सहरसा एक्सप्रेस मानिकपुर और लिंक जंक्शन के बीच में 45 मिनट के लिए रोकी जाएगी। 10 और 12 मार्च को 12142 पाटलिपुत्र लोकमान तिलक टर्मिनल पंडित दीनदयाल उपाध्याय और करचना के बीच में 1 घंटे के लिए रोकी जाएगी। वहीं 14 मार्च को 13202 लोकमान तिलक टर्मिनल पटना एक्सप्रेस मानिकपुर और लिंक केबिन के बीच में 1.5 घंटे के लिए रोकी जाएगी। 14 मार्च को 15232 गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस मानिकपुर और लिंक जंक्शन के बीच में यह भी ट्रेन जो है 1.5 घंटे के लिए रोकी जाएगी। तो ऐसे में रेलवे ने होली के पहले, एक तरह से कह लें कि होली से पहले रेल यात्रियों के लिए यह एक बुरी खबर है क्योंकि कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, साथ ही साथ कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। तो ऐसे में अगर आप होली में बिहार और उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर अपने ट्रेन का स्टेटस देख लें तभी रिजर्वेशन कराएं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।